बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बीते कल यानी 9 जून से सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल वे अपने एक बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। बीते शुक्रवार को सम्राट चौधरी बिहार के अररिया जिला पहुंचे थे। वहां वे कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट पहली बार अररिया गए थे। कार्यक्रम में जब सम्राट चौधरी को संबोधन के लिए बुलाया गया, तब उन्होंने अपने भाषण में राहुल गांधी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, सम्राट ने राहुल गांधी की तुलना आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से कर दी। सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम में कहा, आजकल राहुल गांधी ओसामा बिन लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ाकर मोदी जी की तरह देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। पहले दाढ़ी तो पूरा पक जाए, तब न कोई उपाय होगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि वे राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से 50 साल का एक बच्चा मानते हैं। जो आदमी 50 साल का हो और उन्हें राजनीतिक बुद्धि नहीं हो, तो उससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। सम्राट चौधरी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नीतीश कुमार को घेरा। कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनका हाल गजनी फिल्म के आमिर खान के किरदार जैसा हो गया है। पीएम के ताज का दिवा स्वप्न ने उन्हें परेशान कर रखा है। बीते दिनों बिहार के सुल्तानगंज में आगवानी घाट पुल के ढह जाने का मामला सामने आया था। इसे लेकर भी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरसे। इसे लेकर उन्होंने नीतीश कुमार की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही कहा कि जिस तरह दंगल फिल्म में पहलवान बेटियां गाना गाती हैं कि सेहत के लिए ये तो हानिकारक है, उसी तरह नीतीश कुमार बिहार की सेहत के लिए हानिकारक हैं। सम्राट चौधरी का यह बयान सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गया, जिसके बाद कांग्रेस और राजद नेताओं ने सम्राट चौधरी के बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। राजद नेता मनोज झा ने सम्राट चौधरी से सवाल किया है। उन्होंने सम्राट चौधरी से पूछा है, इस देश में करोड़ों लोग दाढ़ी रखते हैं, क्या वे सभी आतंकी हैं? क्या सभी ओसामा बिन लादेन हैं? सम्राट चौधरी का बयान बिल्कुल गलत है, वो सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी बोलते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा, सम्राट चौधरी को समय से पहले उनकी क्षमता से काफी ज्यादा मिल गया है और उनसे संभल नहीं रहा है। इसी चक्कर में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनके प्रति सहानुभूति का भाव है। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि बढ़िया जगह पर उनका इलाज हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।